हेलो फ्रेंड्स, सीजी प्लम्बर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1,000 लीटर की वाटर टैंक की फ्रेंड सफाई करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो भी हमें ज़रूरत की सामान लगेगा दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी देता हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, हमें 2 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसमें कि 1 बाल्टी मैंने साफ पानी टंकी से निकाल के भर लिया हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, एक खाली बाल्टी दोस्तों जो कि मैं अंदर ले जाऊँगा, टंकी का जो भी पानी बचा है उसमें उसको निकालने के लिए। दोस्तों एक मग्गे की भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, छोटा मग्गा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये है सर्फ़, घड़ी पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर जिसे हम बोलते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों एक ब्रश, कपड़े धोने वाला दोस्तों, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एक सूखा कपड़ा हमें चाहिए दोस्तों, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम अच्छे से टंकी को क्लीन कर सकें। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले अपने पैरों को पानी से धोऊंगा दोस्तों बाहर, जिससे कि मेरा पैर में डस्ट वस्ट ना लगे। उसके बाद ही मैं टंकी के अंदर एंटर करूँगा। फ्रेंड्स दोस्तों, सूखा कपड़ा आप या तो पुरानी बनियान ले सकते हैं, फटा हुआ चद्दर पुराना, या तो तकिए का कवर भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी कपड़ा हमारे पास हो, सूती का रहना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक प्लास्टिक चेयर ले लेनी है दोस्तों, जिसके ऊपर से आप चढ़ करके इस टंकी के अंदर एंटर हो सके दोस्तों, क्योंकि 1,000 लीटर की टंकी है तो हाइट ज़्यादा होती है दोस्तों। और करीब ये जो है 4.5 फीट के आसपास है, तो टंकी में चढ़ने में मुझे दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने एक प्लास्टिक चेयर का यूज़ कर रहा हूँ। यदि फ्रेंड्स इसके बदले आपके पास लकड़ी का कोई स्टूल हो 2 फीट के आसपास का, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं टंकी का ढक्कन को ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। और दोस्तों इस ढक्कन को आपको बहुत अच्छे से संभाल के रख लेना है किनारे पे दोस्तों, कुछ इस तरह से, जिससे कि ये टूटे ना। और फ्रेंड्स, जब पूरी टंकी सफाई हो जाएगी दोस्तों, तो लास्ट में इस ढक्कन की भी सफाई आपको अच्छे से कर लेनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप टंकी का व्यू देख सकते हैं, इस टंकी के अंदर कितना कचरा जमा हुआ है दोस्तों, पूरा कैल्शियम आया हुआ है वाइट वाइट। और लगभग दोस्तों ये 1.5 साल से टंकी जो है सफाई नहीं हुई है, काफ़ी गंदगी है दोस्तों, जिसको मैं कपड़े से रगड़ के, उसके बाद ब्रश से रगड़ के अच्छे से क्लीन करूँगा दोस्तों। और नीचे दोस्तों हम लोग नल के द्वारा जो भी यहाँ पर पानी है करीब 150 लीटर, उसको हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि वो हमारे बाद में काम आएगा। इस पानी को दोस्तों हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद ही इस टंकी की हम लोग क्लीन करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे पहले जो चेक नट आप देख पा रहे हो, वहाँ पे मैं कपड़ा लगाऊंगा छोटा, जिससे कि यहाँ का जो भी गंदगी हो उसके अंदर ना जा पाए। और क्योंकि चेक नट के नीचे का पानी दोस्तों हमें बाल्टी और मग्गे की मदद से ही निकालना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। और जो भी यहाँ कचरा निकलेगा दोस्तों टंकी का, उसको आजू बाजू घर है वहाँ कहीं नहीं फेंकना है दोस्तों, अपने ही छत में इकट्ठा करके बाद में हम लोग उसको डब्बे में भर के डस्टबिन में डाल देंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये देखिए कपड़े का छोटा सा आपको इस तरह से बना लेना है, चिलम टाइप का। और दोस्तों इसको मैं डाल लेता हूँ इसमें, देखिए दोस्तों इससे कचरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। और मैंने इस टंकी का सर्वे कर चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का छिपकली या किसी भी प्रकार का कोई जानवर नहीं है दोस्तों, छोटा मेढक भी रहता है, आपको इसको देख लेना है फ्रेंड्स। मैं इसको लॉक कर चुका हूँ, पानी को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कितना गंदा है, जो कि बहुत अच्छे से निकल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें हाथ से इसको नहीं करना है, क्योंकि कई बार नुकीला होता है दोस्तों, हमें चोट लग सकती है दोस्तों। ये ब्रश है, इस ब्रश की मदद से फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें साफ कर लेना फ्रेंड्स। पहले पानी डालते रहना है और इस तरह से पूरा हमें क्लीन कर लेना है फ्रेंड्स, पूरे टंकी को, बॉर्डर को क्लीन करना है दोस्तों। उसके बाद देख पा रहे हैं दोस्तों ये कितना कचरा है दोस्तों, जो कि हमारे नहाने के पानी और जो भी हम किचन में यूज करते हैं उसमें आता है फ्रेंड्स। इसको आपको बहुत ही सावधानी से निकाल लेना है दोस्तों, किसी भी प्रकार का उंगली में चोट नहीं लगना चाहिए, बहुत ही धीरे से हल्के हाथों से इस तरह से इकट्ठे करके आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये
कचरा साफ करके और पूरा पानी को निकाल के मैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए पूरा जो भी टंकी का वॉल है इसको हमने बहुत बढ़िया से क्लीन कर लिया है दोस्तों ये कपड़े धोने वाले ब्रश से। और फ्रेंड्स इस छोटे मग्गे की मदद से फ्रेंड्स आप इस तरह से इस पानी को भर लेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है, केवल इतना ही भरना है जितना आप उठा सकें, नहीं तो दोस्तों ये बाल्टी अपने ही ऊपर गिर जाएगा, चोट लग सकता है और बहुत ही सावधानी का काम है। कम से कम आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, आपको बनियान और इस तरह से चड्डी पहन लेना है दोस्तों, इससे बहुत ही आसानी होगी आपको काम करने में। और फ्रेंड्स इस तरह से बकेट में मैं पानी भर के इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ।